नमस्कार, मैं हूं एंकर मोनी। आप देख रहे हैं सबकी नजर। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों। मुबारकपुर बाजार में सैकड़ों की संख्या में वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और निराश्रितों में समाजसेवी दीपक कुमार और अशोक जायसवाल की तरफ से बांटे गए गर्म कम्बल। इस अवसर पर समाजसेवी दीपक कुमार ने कहा कि हमारे दादा दादी के पुण्यतिथि पर यह पुनीत कार्य मेरे पिताजी अशोक जायसवाल द्वारा किया जा रहा है। मेरे द्वारा समाज में रह रहे गरीब व जरूरतमंदों की सेवा सदैव से होता आ रहा है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक गरीबों की सेवा इसी तरह से होती रहेगी। जरूरतमंदों की सेवा करना एक पुनीत कार्य है। इस अवसर पर हजारों की संख्या में मुबारकपुर की सम्मानित जनता मौजूद रही। ये जो कंबल वितरण चल रहा है किस गाँव में है, क्या मकसद है आप लोगों का वितरण करने का? हमारा मकसद है कि मैं अपने माता पिता, स्वर्गीय माता पिता के नाम से मैं गरीबों का कंबल का वितरण कर रहा हूं। क्या आगे भी वितरण करेंगे इसी तरीके से? अगर अवसर मिलेगा तो जरूर मैं वितरण करता रहूंगा। लमसम कितने लोगों को कंबल वितरण कर चुके हैं आप? कितना मकसद है वितरण करने का? वितरण करने का हमारा मकसद है 350 जो भी गरीब परिवार के लोग हैं, विधवा हैं, उन लोगों का मैं सेवा कर रहा हूँ। हमारा नाम अशोक कुमार जायसवाल, ग्राम सभा मुबारकपुर, फूलपुर, प्रयागराज। ये जो कंबल वितरण कार्यक्रम आप कर रहे हैं, इस संबंध में क्या बताना चाहते हैं जनता को? दीपक जी, यही समझाना चाहते हैं और यही बताना चाहते हैं कि मैं दीपक कुमार अनिका मोटर्स की तरफ से और अपने दादा दादी के पुण्य आत्मा के लिए कंबल वितरण का अनुदान कर रहा हूं। और ये इसमें वृद्ध, बुजुर्ग और असहाय लोगों के लिए कंबल वितरण का आयोजन किया हुआ है। और ये हम हर विगत वर्ष प्रयास यही करेंगे, विगत वर्ष ये हम करते रहे कंबल वितरण का अनुदान, ताकि गरीब असहाय लोगों तक ये पहुंचता रहे। कितने लोगों को कंबल वितरण करने का निश्चय लिया है आपने? हमने अभी तक करीब 350 लोगों का कंबल वितरण करने का अनुदान संकल्प लिया है और आगे चल के यही हम अपना लक्ष्य बनाया कि आगे चल के और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और जो भी गरीब असहाय लोगों को जो जरूरत है वो उन तक पहुंचाएं। हम दीपक कुमार जायसवाल, सनाप अशोक कुमार जायसवाल, ग्राम मुबारकपुर, फूलपुर, प्रयागराज, और मैं अनिका मोटर्स का प्रोप्राइटर भी हूँ। और मैं ये तत्पर हर समय ये लगा रहूंगा कि ताकि गरीब लोगों और जनता के बीच तक मैं पहुंचूं और उनकी सारी समस्या को सुनूं। बस यही मेरा एक लक्ष्य है और यही कंबल वितरण करने का मेरा एक उद्देश्य है।